श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि शुक्र नीतियां क्या हैं। शुक्र नीतियां मैं आपको साथ बताऊंगा। शुक्राचार्य ब्रह्मा के वंशज थे, भगवान ब्रह्मा के। वे बहुत ही ज्ञानी होने के साथ साथ एक चतुर नीतिकार भी थे। शुक्र नीति में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो हर किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है। शुक्राचार्य ने 7 खास नीतियों के बारे में बताया है। एक है कि कल की सोचें लेकिन कल पर नहीं डालें। जो नीति है उनका वो है दीर्घदर्शी सदा च स्यात् चिरकारी भवे नहीं। अर्थात मनुष्य को अपना हर काम आज के साथ ही कल का भी ध्यान में रखकर करना चाहिए, लेकिन आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए। हर काम को वर्तमान के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से भी सोचकर करें, लेकिन किसी भी काम को आलय के कारण कल पर नहीं डाले, आलस नहीं होना चाहिए। दूरदर्शी बने लेकिन दीर्घसूत्री नहीं, आलसी काम टालने वाला ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर उनकी दूसरी नीति है बिना सोचे समझे किसी को मित्र नहीं बनाए। यो ही मित्रम विज्ञाय याथात्यायन मंददि मित्रार्थो योजन्त्यन्त्यं तस्स सोऽर्थो वसीदति। अर्थात मनुष्य को किसी को भी मित्र बनाने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। बिना सोचे समझे या विचार किए किसी से भी मित्रता करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मित्र के गुण अवगुण, उसकी आदतें, सभी हम पर बराबर प्रभाव डालती है। इसलिए बुरे विचारों वाले या गलत आदतों वाले लोगों से मित्रता करने से बचें। फिर किसी पर भी हद से ज्यादा विश्वास न करें। नात्यांतम विश्ववसेत कचिद विश्वसतमपि सर्वदा। आचार्य शुक्राचार्य के अनुसार चाहे किसी पर हमें कितना ही विश्वास हो लेकिन उसे भरोसे की कोई सीमा होनी चाहिए। किसी भी मनुष्य पर आंखें बंद करके हद से ज्यादा विश्वास करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। कई लोग आपके विश्वास का गलत फायदा उठाकर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने विश्वसनीयों पर विश्वास जरूर करें लेकिन साथ ही अपनी भी आंखें खुली रखें। फिर अन्न का अपमान कभी नहीं करें। अन्नम न निंदतात। अन्न को देवता के समान माना जाता है। अन्न हर मनुष्य के जीवन का आधार होता है, इसलिए धर्म ग्रंथों में अन्न का अपमान न करने की बात कही गई है। कई लोग अपना मनपसंद खाना न बनने पर अन्न का अपमान कर देते हैं। यह बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत माना जाता है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप कई तरह के दुखों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि किसी भी परिस्थिति में अन्न का अपमान नहीं करें। फिर धर्म ही मनुष्य को सम्मान दिलाता है। धर्म नीति परो राजा चिरम कीर्ति स चासुस्ते। हर किसी को अपने जीवन में धर्म और धर्म ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। जो मनुष्य अपने दिनचर्या का थोड़ा सा समय देव पूजा और धर्म दान के कामों में देता है उसे जीवन में सभी कामों में सफलता मिलती है। धर्म का सम्मान करने वाले मनुष्य को समाज और परिवार में बहुत सम्मान मिलता है। इसलिए भूलकर भी धर्म का अपमान न करें, न ही ऐसा पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संगति करें। फिर पापी कर्म करने वाले चाहे कितना ही प्रिय हो उसका त्याग कर देना चाहिए। त्यजेत दुर्जन संगतम। कई बार हमारे प्रियजन नास्तिक या पाप कर्म करने वाले होते हैं। हमें सही गलत का ज्ञान होने पर भी अपने मोह या लगाव की वजह से हम उस व्यक्ति का त्याग नहीं करते हैं। धर्म ग्रंथों में इस बात को बिल्कुल ही गलत कहा गया है। पाप कर्म या गलत काम करने वाला मनुष्य हमें चाहे कितना ही प्रिय क्यों न हो उसका त्याग कर देना चाहिए। न सभी पर विश्वास करें न सभी पर शंका। नैकः सुखी न सर्वत्र विस्तृतवदो च न च सकिता। सामान्य रूप से दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक वे जो हर किसी पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं, दूसरे वे जो हर किसी पर शक करते हैं। मनुष्य की दोनों आदतें सही नहीं होती है। हर किसी को विश्वास और शक के बीच का संतुलन बनाकर चलना चाहिए। मनुष्य की परिस्थिति के अनुसार किसी पर भी शक या विश्वास करना चाहिए।
धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।